लेकर महाराष्ट्र तक जिनके नाम का डंका बजता था, जिनकी शरण में आकर लोग अपने दुख दर्द दूर करते थे, ऐसे उदय सिंह जी देशमुख यानी कि परम पूज्य राष्ट्रीय संत भैयू जी महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके जाने के बाद उनके भक्तों का क्या हाल है, आश्रम कैसे संचालित हो रहा है और उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी ये सारी गतिविधियां कैसे संचालित कर रही हैं, इन्हीं सभी सवालों के जवाब घमासान.com की ओर से आज भी दीक्षा भानु के ये सारे सवाल डॉक्टर आयुषी से करके आपको इनके जवाब पहुंचाएंगे। तो आप भी देखिए डॉक्टर आयुषी और घमासान.com की खास बातचीत। भैयू जी महाराज के निधन के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि अब उनके द्वारा की जा रही सामाजिक गतिविधियाँ बंद हो जाएंगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि भैरव जी महाराज हमारे श्रद्धेय गुरु जी, मेरे पति एवं इस सदगुरु दत्त धार्मिक परमार्थिक ट्रस्ट के प्रणेते राष्ट्र संत डॉक्टर श्री भैरव जी महाराज के निधन के बाद अगर कई लोगों की ऐसी प्रक्रियाएं रहीं, कई लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं रहीं कि हो सकता है ये आश्रम गुरु जी जाने के बाद बंद हो जाए, यह संस्था गुरु जी के जाने के बाद बंद हो जाए, बट मैं आप इस चैनल के जरिए उन सभी को यह संदेश देना चाहती हूँ कि गुरुजी के का सपना था इस संस्था को आगे बढ़ाना, गुरुजी द्वारा रखी गई इस नींव के नींव को एक गति देना, इस उनके सपनों को साकार करना। आज गुरुजी नहीं हैं तब भी गुरुजी के सारे प्रोजेक्ट्स आज भी वैसे ही चालू हैं जैसे गुरुजी थे वैसे, और मैं कामना करती हूँ कि उन प्रोजेक्ट्स को और अच्छे से मैं आगे बढ़ा सकूँ, आप सभी के सहयोग से एवं गुरु बंधुओं के सहयोग से मैं उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकूँ, उन प्रोजेक्ट्स को। और ये लोगों की भ्रांतियाँ हैं जो बोलते हैं कि अब बंद हो गया, और किसी व्यक्ति मात्र के कहने से और किसी व्यक्ति मात्र के सोच लेने से कोई चीज़ ना तो शुरू होती है और ना ही बंद होती है। हम अपने मन में सोच लेते हैं हाँ अब ये बंद हो गया, जिसको सोचना है जो करना है वो उसका लुकआउट है और उसकी सोचने की क्षमता है कि वो किस स्तर से सोच सकता है। ना तो कभी गुरुजी ने किसी की सोच की परवाह की और ना ही आज मुझे किसी की सोच की, आज मुझे मेरा एम है कि मुझे गुरुजी के कामों को आगे बढ़ाना है और जीवन पर्यंत मेरा ये एक आप ये कह लें कि जीवन पर्यंत मेरा यह काम है कि मुझे उनके हर कार्य को अच्छे से अच्छा और अच्छा बना के लोगों तक जितना हो सके, लोगों की मदद जितनी हो सके वो करनी है। क्योंकि गुरुजी के पास जो लोग आते थे, आज जो लोग गुरुजी के लिए अगर ऐसा बोल रहे हैं, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आज सूर्योदय आश्रम बंद हो गया, सूर्य अस्त हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, तो एक समय ऐसा था कि उन लोगों की ही गुरुजी ने काफ़ी मदद की। वो लोग गुरुजी के पास किस हालत में आए और आज वो कहाँ हैं, तो ये संसार सागर है, यहाँ हम किसी को रोक नहीं सकते, जिसको जो बोलना है वो बोलेगा, हो सकता है वो बोलने से उनको खुशी मिले, मानसिक संतुलन मिले, तो ठीक है, कम से कम उनके बोलने से मुझे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, शायद ये गुरुजी दे रहे हैं, उनके बोलने से शायद मुझे शक्ति मिल रही है कि हाँ कोई अगर ऐसा बोल रहा है तो हो सकता है कि हम उस कार्य को और अच्छे से कर पाएं। तो कहते हैं ना कि मित्र से ज़्यादा निंदक आसपास हो तो कार्य करना और अच्छा रहता है, तो निंदक भी होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में, मित्र तो हमारी हर जगह तारीफ करेगा लेकिन जो निंदक है कम से कम वो हमें प्रेरित करते हैं कि हम और आगे बढ़ें। तो धन्यवाद मैं उन सभी का करती हूँ जो अगर ऐसा सोचते हैं, और ये वक्त जवाब देगा, वक्त के पास जवाब देने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, और भगवान और गुरुजी पे भरोसा है मुझे कि कभी भी इस संस्था के साथ और इस समाज के साथ वो कभी बुरा नहीं होने दे सकते, क्योंकि वो आज भी हमारे साथ हैं। इस दुखद घटना के बाद जब गुरुजी हमारे बीच नहीं रहे तो आपने आश्रम का संचालन कैसे शुरू किया और अभी कौन कौन सी गतिविधियां संचालित हो रही हैं? गुरुजी जाने के बाद एक साल तक तो मैं मेरी कंडीशन ही नहीं थी ऐसी कि मैं कुछ सोच पाऊँ, कुछ समझ पाऊँ और किसी भी तरीके का कोई
स्टेप ले पाऊँ, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ ऐसा था कि एक आवरण होता है ना जो सर से उठ जाता है, आप कहाँ हो और आप जब देखते हो कि आपके सर की छत है ही नहीं, तो मेरे सर की छत है ये, मेरा आवरण है कि मैं तो मेरा मतलब मेरी फैमिली मेरे ससुराल पक्ष में आज बड़े लोग भी हैं और छोटे भी हैं, तो सबके से बड़े यही हैं और सबसे छोटे भी यही हैं, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा था। क्योंकि जब ये गए तो एक पत्नी के लिए पति का जाना बहुत बड़ा सदमा होता है, और उस समय जब बच्ची 5 महीने की थी, एक बच्ची जो अपने कैरियर के पड़ाव पर थी, एक बच्ची की उम्र सिर्फ 17 साल और एक बच्ची की उम्र सिर्फ 5 महीने, और माताजी 86 वर्ष की जो बेड पर है, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे करूँगी, कैसे आगे बढ़ूँगी, और सोचने समझने की शक्ति जो थी वो एकदम ख़त्म ही हो गई थी, कि रोज़ लगता था कि आज अपने आप को ख़त्म करूँ, इस जीवन को विराम दे दूँ। लेकिन एक किरण आशा की या जो भी है कि बाई धारा कुहु, इन तीनों को लेके कि हाँ ये तीनों का क्या होगा अगर मैंने कुछ कर लिया अपने आप को, तो इनके इनका फिर क्या होगा, तो इन तीनों को लेके भी एक सोच बनी रहती थी जीवन में कि अगर मैं चली गई तो फिर ये क्या करेंगे, बहुत छोटे छोटे हैं तो बाई बेड पर हैं, क्या होगा। फिर धीरे धीरे अपने आप को इनकी तस्वीर के सामने बैठ के कई क्वेश्चन कई चीज़ें सवाल पूछती, कई बार सोचती कि मुझे करना क्या चाहिए, तो मार्गदर्शन उन्हीं का है। और एक साल बाद वर्ष श्राद्ध था उस दिन 1 जुलाई को, उस दिन सभी लोग थे, संस्था के भी सभी लोग थे और सभी ट्रस्टी थे, घर के सभी लोग थे जिन्होंने मुझे बोला कि अब आपको संभालना है ये सब चीज़ें, और मैंने भी सोचा कि हाँ अगर ये चीज़ें एक समय ऐसा आएगा जब एक ना एक दिन ये चीज़ें कौन देखेगा, कौन चलाएगा, एक ना एक दिन ये समय विराम लग जाएगा इन चीज़ों पर, तो फिर आज भी इच्छा है, मनोबल है, उनकी शक्ति है, तो धीरे 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 करके ये सब संस्थाएं चलाने की कोशिश प्रयासरत हूँ आप सभी के सहयोग से, और कामना करती हूँ कि आपका सहयोग अब तक मिल पाया और आगे भी ऐसा ही मिलेगा, जिससे कि गुरुजी के कार्य पूर्ण रूप से पूरे हों, गुरुजी का नाम और आगे बढ़े। गुरुजी के आने वाले प्रोजेक्ट्स, जो गुरुजी के रहते प्रोजेक्ट्स थे वो भी अभी सारे चल रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट्स ऐसा नहीं है जो बंद हुआ है, और सीजनल जो प्रोजेक्ट्स थे, हाँ मैं मानती हूँ कि एक साल मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पर, लेकिन आने वाले समय में और पिछले कुछ समय से जो सीजनल प्रोजेक्ट्स थे, जो ऋतुवार्षिक प्रोजेक्ट्स थे, जैसे कंबल वितरण प्रोजेक्ट्स हुआ, हमने अभी 10,000 कंबल बांटे, अभी कोल्हापुर और सांगली में जो बाढ़ग्रस्त लोग आए थे उनको 51,000 रुपये डोनेशन, और उसके साथ साथ बिस्लेरी के बॉक्स, डिटॉल हैंड वॉश, 2,000 कंबल, 4,000 साड़ियाँ औरतों के लिए, और भी कई सामग्री जिनसे उनकी सहायता हो सके वो। इसके अलावा कुछ गांव जो सूखा ग्रसित थे, क्योंकि महाराष्ट्र गुरुजी की कर्म भूमि मानी जाती है, तो एक तरफ वे लोग जो बाढ़ से पीड़ित थे और एक तरफ वे लोग जो सूखा से पीड़ित थे, तो मेरे लिए तो सभी मेरे बेटों के समान है, मेरे बहनों के समान है, मेरी माताओं के समान है। तो कुछ बाढ़ से ग्रसित लोग जिनकी मदद जितना मैं कर पाई, जितनी मेरी क्षमता थी, जितनी गुरु बंधुओं के सहयोग से जो क्षमता बन पाई उनके साथ उनका सहयोग, एवं जो सूखा ग्रसित क्षेत्र हैं जिनमें सूखा से औरतों के नाक में से खून आ रहा है जब वो पानी भरने जाती हैं इतनी गर्मी, तो उनके लिए कुछ गांवों को गोद लिया, और आज आप गुरुजी की कृपा से वे सभी खुश हैं, और कामना करती हूँ कि आगे भी मैं उनकी और मदद कर सकूँ, और ऐसे कुछ लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए और कुछ कर सकूँ, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इंदौर से लेकर महाराष्ट्र तक भैया जी महाराज का काफ़ी नाम चलता था, और ऐसे कई गुरु बंधु हैं जो अपना सहयोग देते थे लोगों की मदद में उनका, तो वो अभी सहयोग कर रहे हैं। देखिए, जो गुरु बंधु स्वार्थ से सहयोग देते थे वो अब नहीं है जी। और जो गुरु बंधु निस्वार्थ भाव से गुरु जी
से जुड़े हुए थे वो आज भी मेरे साथ हैं, और मैं यह यकीन मुझे वो बोले नहीं बोले, मुझे आज भी अपने आप पर, गुरुजी के कर्मों पर और गुरुजी की दी हुई दीक्षा पर यकीन है कि वे आज भी और हमेशा जीवन पर्यंत हमारे साथ रहेंगे। हाँ, कुछ लोग थे जो स्वार्थी थे, जो स्वार्थ से गुरुजी से जुड़े थे, जो सिर्फ और सिर्फ गुरु को कार्यपूर्वक मानते थे कि गुरु यानी काम पूरा हो जाएगा, भैयू महाराज यानी हमारे काम हो जाएंगे, तो आज वो लोग जा चुके। और मेरे हिसाब से अच्छा ही हुआ कि कम से कम अच्छे बुरे की वक्त में पहचान हो गई, और वे लोग, उनको भी मैं मैसेज देती हूँ कि भले ही आप किसी भी मकसद से जुड़े थे या कोई भी आपका रीज़न था, आज मैं मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैं मेरे बच्चों के लिए नहीं, मैं मेरी माता के लिए नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी ज़रूरत गुरुजी को थी, और जिन लोगों के लिए गुरुजी ने अपना सब कुछ, अपने घर की ज़मीन तक बेच के उन लोगों का पेट पाला, उन लोगों के लिए वे कार्य किए जिसके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता। आज समाज के लिए आपकी ज़रूरत है, तो इस आश्रम, इस संस्था से नहीं, आप खुद से संकल्पित रहें और एक दूसरे की मदद करें, तो समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा। आश्रम को लेकर ये कहा जा रहा है कि भैयू जी महाराज के भक्त दो गुटों में बटे हुए हैं, तो क्या ये भ्रांति है? भैयू जी महाराज के भक्त जो दो गुटे में बटे हुए हैं, और ऐसा आश्रम के बारे में जो लोग कह रहे हैं, ये मुझसे ज़्यादा अच्छे से वो जान सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी दो गुट, आश्रम सूर्योदय परिवार एक है, और सूर्योदय परिवार के सभी व्यक्ति आज भी एकजुट हैं, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। तो ये भी कुछ समय बाद, मैंने बोला ना कि आज वक्त है और समय का इंतज़ार है कि जवाब समय देगा, तो सूर्योदय परिवार के जो लोग आज भी साथ हैं, और जिन व्यक्तियों को गुटों में बंटना है, जिन व्यक्तियों को गुट बाजी करने की आदत है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे गुरु बंधु भी हैं गुरुजी के लिए। बाकी गुरु बंधु जितने भी थे, आज सभी हैं, गुरुजी की श्रद्धा, गुरुजी के प्रति उनका आदर सम्मान वैसा का वैसा ही बिल्कुल कम नहीं हुआ। आज भी लोगों का बोलना है कि भाभी माँ आप आदेश करो, हम हमेशा गुरुजी के कार्यों करने में आपका सहयोग प्रदान करेंगे, और वे करते भी हैं। तो गुट जो दो गुटों में बटे हुए लोग हैं, ये ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रांतियाँ फैला देते हैं, जिनको भ्रांति फैलाने में मजा आता है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि जो व्यक्ति मन से मान लेता है, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, जो व्यक्ति मन से मान लेता है कि अब ऐसा हो गया तो हो गया, भगवान हर जगह है, गुरुजी हर जगह है, हम आज भगवान के लिए भी मानते ही हैं, तो मैं तो गुरुजी है मेरे लिए, साक्षात मैंने उनके चमत्कार देखे हैं और आज भी देख रही हूँ। ऐसे कई लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि आज हमारे साथ गुरुजी हैं, और मैं खुद बोलती हूँ कि मैं आज यहाँ इतनी एक साल में अगर आपके सामने हूँ, तो वो गुरुजी की शक्ति है जो उन्होंने इस दायित्व के लिए, उन्होंने मुझे लायक समझा और आज इस दायित्व को लेकर मैं आपके सामने बैठी हूँ। जब आप इस कठिन दौर से गुजर रही थी, तो आपके मन में क्या आया कि सेवा का रास्ता अपनाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? देखिए, जब मेरा एक पहला प्रोग्राम था जिसमें मैं भागवत जी माननीय से संचालक जी के साथ थी, और आने वाले तीसरे महीने में, गुरुजी जाने के बाद तीसरे महीने में ही मेरा एक खामगांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें सह संचालक जी आए थे, तो वहाँ पर मुझे एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था कि ये तो कांटों भरा रास्ता है जो आपने अपनाया है, चूँकि आप भी वही कह रही हैं कि गुरुजी जाने के बाद आपको कैसा लगा कि ये रास्ता अपनाना चाहिए, तो आप, उस पत्रकार ने मुझसे पूछा कि ये कांटों भरा रास्ता है, आप इस पे कैसे चलोगी, समाज कार्य करना इतना आसान नहीं है, ये तो कांटों की राह है जो आपको गुरुजी दिखा के गए। तो मेरा ये जवाब था कि वो कांटे आपको दिख रहे होंगे, मेरे लिए तो फूल बिछा के गए, और किसी का सहयोग करना, किसी के प्रति कोई कार्य करना और किसी के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, तो आज मैंने मेरे पति के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया कि आज मेरा जीवन पर्यंत है, जो जीवन जीते जी उनका था और उनके जाने के बाद उनका ही, तो ये रास्ता जो है, जब उनको कठिन नहीं लगा तो मुझे कैसे, एक पत्नी की राह पति के साथ होती है, तो मेरी राह तो उनके साथ है, जो राह वो मुझे दिखा रहे हैं उस राह पर मैं चल रही हूँ और जीवन
परंतु उस राह पर चलती रहूंगी। और भक्त वैसे ही हैं या कुछ कम हो गए हैं उनके? भक्त मैंने आपको बोला ना कि जो स्वार्थी लोग थे वो अब जा चुके, लेकिन जो भीड़ थी, जो जमावड़ा था, वो भक्तों का था और उनके दर्शन मात्र के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते थे, तो वो चीज़ तो उनके साथ थी। और हो सकता है, मैं कामना करती हूँ कि समाधि बनने के बाद और आज भी गुरुजी के चमत्कार इस आश्रम में होते हैं। मैं जो गादी है नीचे उस पर मैंने खुद आजमाया है कि वे चीज़ें जो हम बोलते हैं वो पूरी हो जाती हैं। ऐसी मन्नत जो मैं मांगती हूँ, जो कई लोग बोलते हैं कि भाभी माँ हमने ये मांगा और गुरु जी ने हमें दे दिया, तो आज उनके रहते और उनके जाने के बाद भी वे चीज़ें हो रही हैं। और जो भक्त थे उसी तादाद में तो नहीं, लेकिन हाँ वैसे ही आते हैं। और चूंकि मेरा समय पूरा का पूरा शिष्य परिवार और सूर्योदय परिवार के लिए है, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मुझे उनको समय नहीं देना। मैं अपने गुरु भाव से, एक माता के भाव से उनकी क्या मदद कर सकती हूँ, उनकी क्या सेवा कर सकती हूँ, ये मेरा कर्तव्य और धर्म है। और समय की तो मैं शाम को सुबह आश्रम आती हूँ। सामाजिक कार्यों से गुरुजी काफ़ी जुड़े हुए थे, तो समाज के सरोकार के तहत ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि पहले होने चाहिए? देखिए, समाज में हर वर्ग को आज जरूरत, युवा पीढ़ी को आज, कहते हैं ना कि युवाओं में एक बार हम कर्म करने की शक्ति डाल दें तो कर्म और समाज का भला वैसे ही हो जाएगा। आज युवा भविष्य है देश का। कई जगह ऐसा हो गया है कि युवाओं में वो सहयोग, वो सहायता की भावना ही खत्म हो गई। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले उस युवा पीढ़ी को समझाना, सलाह देना, उस युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना, उस युवा पीढ़ी को यह बताना कि आप देश का भविष्य हैं। अगर आप आज किसी व्यक्ति की, किसी बूढ़े की, किसी वृद्ध की आप मदद करेंगे, किसी महिला की आप मदद करेंगे, तो वह हमारे देश के सहयोग में हमारे देश के कार्यों को कितना आगे बढ़ा के जा सकती है। तो युवाओं को समाज में एक कठिन स्टेप और कठिन परिश्रम एवं अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहने की बहुत जरूरत है। भैयू जी महाराज ट्रस्ट को लेकर अभी कोई विवाद चल रहा है या? ऐसा कोई विवाद ना पहले चल रहा था और ना ही अभी चल रहा है। मैंने आपको बोला ना कि ये लोगों की मनोव्यथा है और लोगों की भ्रांतियां हैं, जो बार बार लोग यही सोच लेते हैं कि आप ट्रस्ट में गड़बड़ घोटाले हो गए, ट्रस्ट ऐसा हो गया। आज अगर ट्रस्ट में कुछ गड़बड़ घोटाले हैं तो आइए आप बैठिए यहाँ पर, कोई अगर ऐसी चीज है तो आप बताइए कि क्या गड़बड़ है, क्या है। मन से, मन के अपने मन में कोई बात मन में बैठा लेना और उसके प्रति समाज में इस तरह की गंदगी फैलाना, मैं नहीं मानती कि ये अच्छी चीज़ है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि किसी के लिए आप कुछ करो ना, तो किसी के विषय में आपको कोई बोलने का भी अधिकार नहीं है। अगर व्यक्ति कुछ कर रहा है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो उसके कर्म में सहयोग दें, ना कि उसको पीछे खींचें। तो लोगों की मनस्थिति का मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि लोग तो सोच लेते हैं कि अब आश्रम खत्म है, आश्रम में विवाद है, ट्रस्टियों में विवाद है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज भी सभी ट्रस्टी सहयोगित हैं, सभी आश्रम के कार्य वैसे के वैसे चल रहे हैं, हर गतिविधि वैसे ही चल रही है जैसे गुरुजी थे तब चल रही थी, और कामना करती हूँ कि आगे और अच्छे तरीके से चलेगी। समाज में जितना योगदान हो सके उतना योगदान दिया जाएगा, एवं सूर्योदय परिवार का हर युवा, हर व्यक्ति हर कार्य के प्रति निष्ठावान एवं कर्तव्य पूर्व अपना योगदान प्रदान करेंगे। आपने इतनी सारी कठिनाई देखी है, बहुत कठिन दौर से आप गुजरी हैं और आप आज तक इस आश्रम को संचालित कर रही हैं, सबको एकत्रित करे हुए हैं, तो आप आगे भी सब एक रहें और सब अच्छा चलता रहे, इसके लिए आप क्या स्टेप लेंगी? आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जिस कठिनाई के वक्त से मैं गुजरी, मैं किसी को, मैं अपने दुश्मन को भी ये श्रापित नहीं करूँगी कि उसके जीवन में ऐसा समय आए। जो समय मेरे जीवन में आया वो कभी किसी महिला के जीवन में ना आए। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे सिंपैथी चाहिए या मैं एक महिला हूँ, अबला नारी नहीं, लेकिन जो दुख, जो तकलीफ
जो कठिनाई होती है ना एक जीने में, एक मतलब मेरे लिए गुरुजी ही थे वो। आप जैसे आप सभी के लिए गुरुजी हैं, ऐसे पति के साथ साथ मेरे गुरु भी थे। हर चीज़ सिखाई उन्होंने मुझे। हमने 14 महीने का जीवन, लेकिन मुझे उन्होंने 100 वर्ष, हर पल को उन्होंने मुझे अनुभव, हर पल का अनुभव कराया। जो उनके जाने के बाद मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि दुनिया कैसी है। और उस समय जो मेरे साथ लोग खड़े थे, तो मुझे नहीं लगता कि वो आप मेरे से कहीं जाएंगे। वो तो पूंजी है जीवन की, जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ हैं, वो आपसे कभी अच्छे वक्त में तो क्या कहीं जा ही नहीं सकते। आज बुरे वक्त में किसी महिला की व्यथा मेरे तरह होती, तो मुझे इतना इन पर भरोसा है कि लोगों ने ये सोच लिया कि अरे दूर रहो सूर्योदय परिवार से, आश्रम से, घर से। लेकिन आज इतना मैं जानती हूँ कि आज उनकी जगह ये होते तो शायद उस महिला की सबसे पहले मदद करते, उस परिवार की सबसे पहले मदद करते कि नहीं उस परिवार में आज ज़रूरत है, उस परिवार को आज ज़रूरत है और उस परिवार को आज इस चीज़ की ज़रूरत है। तो लोगों की भ्रांतियाँ हैं और मैं कामना करती हूँ कि जल्दी दूर हो। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।